दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये HP का X12 का मदरबोर्ड है और जैसा कि लिखा हुआ है इसमें नो पावर है। आइए देखते हैं कि बेसिक से डायग्नोस कैसे करते हैं। मैं डेल तो नहीं लगा रहा हूं, HP है। तो मैंने पावर लगाया है और 173 मिली एम्पियर का लोड ये उठाने लगा है। तो या तो बोर्ड ऑन हो गया है या बोर्ड में शॉर्टिंग है, दो में से एक बात है। दो चीज़ होता है, एक बोर्ड देखते होंगे कि अगर CMOS सेल नहीं लगा हुआ है तो बोर्ड में आप पावर लगाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बत्ती भी नहीं जल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर लाइट ही नहीं जलेगी। HP का बोर्ड है, चूँकि लाइट भी नहीं जल रही है और लोड भी उठा रहा है, तो इससे यही साबित होता है कि बोर्ड में शॉर्टिंग है। अब कहाँ पर है, क्या है, देखेंगे। आइए मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ इसको। बोर्ड तो देख लिया है, पार्ट नंबर पूरा देख लेते हैं और काम किया हुआ है। आयो चेंज है, बायस किया हुआ है। आइए व्यू लीजिए, क्यों नहीं कर पाए पता नहीं, ये बंदे भी रिपेयर करते हैं जो भेजते हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बायस पर बायस किया हुआ है इसका और ये पार्ट नंबर है। ठीक है, DAX12 AMB6D0। तो ये 4 या 5 जनरेशन होता है, बहुत अच्छे से काम किया है, कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा लग रहा है। आयो सही लगी हुई है, सही मतलब IC नंबर सही है, बाकी पिन देखेंगे अभी, तो पिन भी नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रैम IC भी चेंज है, 3T लगी हुई है सही से, मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है यहीं पर। 19 वोल्ट तो शॉर्ट नहीं हो गया है। देखिए, अगर IC अच्छे से नहीं लगाइएगा तो मत लगाइए भाई। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं IC लगाना नहीं जानते हैं तो बड़ी मुश्किल बात है, कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये है बोर्ड और इसमें 5 वोल्ट यहाँ पर बनता है, बता डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे तो फिर बोर्ड भी चाहिए। इसका दोनों चीज़ मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो 19 वोल्ट से एंट्री हो करके सबसे पहले वोल्टेज हमारे इस पॉइंट पर आएगी, 3-5 बनेगी, 5 बनेगी पहले। ठीक है, फिर 3 बनेगी, तो LDO बनेगी हमारी। अब LDO का कितना नंबर पिन होता है, इसका उल्टा काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पिन। चलिए देखिए, ये भी हो गया, आने में कोरियर आने में जो ना ये सब प्रॉब्लम होता है, बैटरी का कनेक्टर टूट रहा है। चलिए चिपका डालेंगे इसको, चलिए प्लास्टिक से टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक का कोई काम नहीं होता है, बस बैटरी को मजबूती से पकड़े रहता है, थोड़ा मजबूती कम हो जाएगा। भेजिए तो थोड़ा सा अच्छे से भेजिए, मजबूती से एकदम रैप करके, बबल शीट पर कंजूसी करिएगा तो बोर्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं जरा। X12 क्या है, X12 का कुछ है, डायग्राम मिला ना, क्वांटा। ठीक है, यहीं से देख लेते सब कुछ, क्या कितना चीज खोलेंगे, डायग्राम भी खोलेंगे ये भी खोलेंगे, कैसा है। अच्छा उल्टा हो गया ये, तो इधर क्यों नहीं घूम रहा है, व्यू में जाते हैं। अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी PU12 है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें यहाँ से चेक करना है कि इसका LDO कौन सा है। तो PCU ये है LDO, 5 वोल्ट का LDO, और 3 वोल्ट का LDO कहाँ है, बड़ा ही कर लेते थोड़ा, ठीक है। अब ज़रूरत है मुझे अपने TFT को टांगने की, मुझे दिखता नहीं अच्छे से अब यहाँ से, मतलब माइक्रो इसको बीच में आया था, यहाँ पर होना चाहिए सामने में। ये है 3 वोल्ट, क्लिक करिए यहाँ पर, तो 5 नंबर, दोनों का मेरे ख्याल से 5 नंबर पिन ही कह रहा है, LDO है। तो हम चेक करेंगे 19 वोल्ट की क्या कंडीशन है। पहले जो तरीका होता है हमारा रिपेयर करने का,
इसमें तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इसका 7 नंबर पिन है, ठीक है, पीसीयू इसका 7 नंबर है 5 का। आइए, तो इसका 7 नंबर पिन क्या कह रहा है, ये है 7 नंबर पिन, ये है ना 5 वाला। तो विन चेक कर लेते पहले, तो विन आपकी यहाँ पर है, ये है विन, ग्राउंड पर रखते हैं और मल्टीमीटर को बीप कंटिन्यूटी पर नहीं डाला मैंने, ओम चेक कर रहे हैं, मेगा ओम है, 19 वोल्ट शॉर्ट नहीं है, 5 एलडीओ 8 मेगा सही है, और 5 का ये भी चेक कर लेते हैं, S5 किलो में 16 किलो शॉर्ट नहीं है, ये बैटरी का होगा, इसको भी चेक कर ही लेते हैं, यहाँ पर भी काम किया हुआ है, शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, बैटरी एरिया भी चेक करना है, ये 1 वोल्ट है, ये वाला 1 वोल्ट है, तो 138 ओम सही है, PCH वाली वोल्टेज। तो फोर्थ जनरेशन में सिडार छोड़ करके बाकी सारे बोर्डों में ये 100 ओम से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब 3 वोल्ट की चेक कर लेते हैं, 15 किलो ये भी शॉर्ट नहीं है, इसका एलडीओ भी चेक कर ही लेते हैं, 5 नंबर पिन था, कितना आ रही है, 1 ओम है, ठीक है। चलिए ग्लव्स खोलते हैं, सेंसर निकालते हैं अपना, बेस्ट सेंसर ऑफ द वर्ल्ड। पैसे उन सब चीज़ों में लगाइए जहाँ से आपको मिलने की गुंजाइश हो, वापस आपको पे करे, पे बैक हो, ऐसे जगह मत लगाइए। थर्मल वगैरह ठीक है, शो ऑफ के लिए सही है, जैसे कोट भी पहन लेते कभी कभार आप शादी वगैरह में, कुर्ता पजामा पहन के तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर 1 वोल्ट डाल देता हूँ, जाते हैं कुर्ता पजामा पहन के भी जाते हैं लोग, दिल में मत लीजिए, ठीक है, 1 वोल्ट थोड़ा सा और डाले क्या, नहीं रहने देते, 1 ही वोल्ट मैं यहाँ से इंजेक्ट कर रहा हूँ, और कहाँ रख रहा हूँ, ये पॉइंट है हमारा, ये है शॉर्टिंग का पॉइंट। तो आयो कैसे शॉर्ट हो सकती है, आयो तो उसने रिप्लेस किया है, कुछ और है क्या, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 2 वोल्ट नहीं करते हैं, मिली बढ़ा रहा हो, ठीक है, 1.5 दिख रहा है, तो एम्पेयर आधा एम्पेयर पहुंच गया, दिख रहा है, 2 कर ही देते हैं, मजाक मजाक में 2 हो गया। अब देखते हैं जरा, आयो तो उबल रही है, आयो गया, ठीक है, चला गया बेचारा, पर लोग सिधार गया, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये तो 19 वोल्ट है, ठीक है, सब कुछ। तो एलडीओ हमारा शॉर्ट है कहाँ से, आयो से, आयो निकालेंगे तो शॉर्टिंग हट जानी चाहिए, यही बात है ना, बंदे ने चेंज तो किया है, चेंज तो दिख रहा है, चलिए हम भी कर लेते, एक बार पर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे क्या कंडीशन है बोर्ड में, बत्ती तो नहीं जलेगी, पूरा तो दिखेगा भी नहीं आपको, चलिए इतने से काम चलाइए, पूरा दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ पूरा, अब सही है, थोड़ा सा लाइट का भी हेल्प लेते हैं, हाँ ये हुई ना बात, शॉर्टिंग हटी कि नहीं ये देख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा, किलो ओम पहुंच गया, ये 5 नंबर पिन हमारा, 1 ओम आ रहा था अभी,
एलडीओ तो बन गई होगी, जरा देख लेते हैं कि आईसी वगैरह भी सही है कि नहीं। पावर लगाते हैं और वोल्टेज को पहुंचा देते हैं 20 पर। अब ठीक है 20 वोल्टेज, और देख लेते हैं कि 3 वोल्ट एलडीओ बना। वोल्टेज में सेट कर दिया मल्टीमीटर को, बिल्कुल बन रहा है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यहाँ पर बता रहा था 5 वोल्ट भी आपका बन रहा है, ये है ना 5 वोल्ट, यही था। पाँच वोल्ट बन रहा है तो मेरे ख्याल से सस्पेंड हो गई है। तो 3 वोल्ट तो बन रहा है कॉइल पर, 5 वोल्ट नहीं बन रहा है कॉइल पर, नहीं बन रहा है। वाह, बिना 3-5 के, बिना S5 के, यानी ये S5 स्टेट की वोल्टेज नहीं है। S5 कहीं पर चेंज होगी। यस, S5 से सस सुना है ना बनते हुए, S5 से 3.3 वोल्ट सस बनेगा, दैट इज द S5 स्टेट। तो ये HP में जो बहुत सारे बोर्ड है आपके, U83, U81, X12, ये सारे बोर्ड एक ही डिज़ाइन के हैं और एक ही कैटेगरी में आते हैं। और वो है कि आपको पहले पावर तो अगर मिल रही हो या ना मिल रही हो डजेंट मैटर, पहले उसके सस्पेंड एक्टिवेट होगा उसका, ठीक है, जिसके लिए S5 की सिग्नल आती है जिससे वो एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर अभी 3-5 बन रही है, ये इक्विवेलेंट LDO है, मतलब इसको 3-5 भी नहीं बोल सकते। आपको रेफरेंस के लिए मैं कुछ बोर्ड दिखा सकता हूँ जिसके अंदर 3-5 जो बनती है वो S5 स्टेट में नहीं होती है, वो इक्विवेलेंट आप उसको PCU लिख देता, 3.3 वोल्ट PCU, उसके बाद S5 की सिग्नल ला करके 3.3 वोल्ट S5 बनाता है। उसके लिए S5 ऑन लेके आता IO से, अभी तो IO ही नहीं है, 3-5 बन रही है। तो अब हमें इसको क्लीन करना होगा, ठीक है, बट लगाऊंगा कैसे, मुझे तो दिख ही नहीं रहा ठीक से, अंधेरा भी है बहुत किलबिश वाला। आज एकदम महान महान बोर्ड ही मेरे पास है, दिखाऊं क्या? एक तो MI का लैपटॉप है, पहली बार तो देखा है बोर्ड MI का, और उससे भी खतरनाक काम जो है ना HP G6 और G5, इसने दुखी कर रखा है, दुखी ऐसे नहीं कर रखा है, रिपेयरिंग में तो दुखी नहीं कर रखा उसने। कोरियर जो जितने लोग भेज रहे हैं रिपेयर करने के लिए, बबल शीट की कंजूसी कर रहे हैं कि 100 रुपये बच जाएगा किस लिए लगाएं, उसके चक्कर में उसका एस्टिमेट 1000 रुपये 2000 रुपये बढ़ जा रहा है। दिखाता हूँ, दो बोर्ड अभी मैंने ठीक किया है, एक बोर्ड में तो जुगाड़ कर डाला है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये PCB टूटी हुई है, ये PCB दो टुकड़े में है, जैसे ये है PCB दो टुकड़े में, इसको अभी अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, अभी दो टुकड़े में है, DC जैक निकाल के फेंका है, टूट गया तो वो भी, और अब नया DC जैक लगेगा और PCB को जोड़ेंगे। अभी तो अभी देखिए PCB हिल रहा बेचारा, इधर से उधर चल रहा है बोर्ड, लेकिन ठीक कर दिया है, ठीक है। इसको इसका पेड वीडियो है हमारे पास जिसमें इस तरह के बोर्डों को किस तरह से रिपेयर करते हैं जिसमें PCB टूट जाती है, ख़ासतौर पर HP का है, मतलब सारे मॉडल का नहीं है, HP के ये सीरीज़ हैं। चूँकि इसमें DC जैक एक कोने से निकला हुआ है और ये हमेशा यहाँ पर से टूटता है, एकदम कॉमन है ये, बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। दूसरा, इसमें एक BIOS की दिक्कत आती है कि जो BIOS लोग करते हैं तो G6 सीरीज में इसके अंदर 32 MB की BIOS होती है, आप इसको करेंगे जैसे ही BIOS आप बनाएंगे, BIOS लगाएंगे कहीं से भी, तो एक एरर आती है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी एरर आती है, उसका भी पेड BIOS मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको केस स्टडी हमारा चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप को दिलदार सर का नंबर दिख रहा होगा, आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कुछ खतरनाक खतरनाक केस सब आते हैं तो उसका मैं केस स्टडी बना के रखता हूँ, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, जैसे ये है वो पार्ट पार्ट में काम हो रहा है, तो पहले बोर्ड को बाहर से ही चेक कर लिया गया कि बोर्ड ठीक होने लायक है भी कि नहीं, पता चले कि मैंने DC जैक बना दिया और उसका पूरा जुगाड़ हो गया PCB का, और जो है बॉडी नहीं ठीक हो पा रहा है,
उसको पहले चेक कर लेते हैं कि बोर्ड ऑन होगा कि नहीं, क्योंकि बिना आईडी के वो बोर्ड ऑन नहीं होता है। ठीक है, अब बारी है आयो ढूंढने की। आयो 8987 है ना, रुकिए मुझे पहले देखने दीजिए। 8987 ई इसमें नहीं होगा, इसमें हो सकता है। मिला, एकदम खतरनाक खतरनाक आईसी सब है मेरे पास, एकदम सारे लेटेस्ट वाले एकदम जितने भी। ये तो खैर कि बहुत पहले की आईसी है। इसमें जो मिलेगा ना 128 सीरीज वीजी वाली आईसी, 256 5570 5525 बहुत सारे जो आए हैं नए, सारे का स्टॉक एकदम रेडी घर पर लेके आना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब अगर ये किसी बोर्ड से निकाल के रखी होगी हमने, चलिए अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे देखिए लगाने में दिक्कत होगी पिन को, अब तो बुढ़ापा आ गया, आँख भी कमज़ोर हो गया ना। तो अगर ये आईसी कहीं से निकली भी लगाते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम का तो गुंजाइश नहीं है, बट मैं लगा दे रहा हूँ और नहीं ऑन होता है तो मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा भैया। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि बैठ के प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि घर पर मेरे पास SVOD 1 है। SVOD 1 से इतना मज़ा आता नहीं है। SVOD 3 में जो बात है वो हो सकता है जो लोग SVOD 4 यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा मज़ा आता होगा, बट SVOD 1 में सपोर्ट नहीं है ना, वो जो ऑनलाइन वाला सपोर्ट होता है। आप लोग तो यूज़ कर रहे होंगे SVOD 4 और 3 वगैरह, तो वो जो ऑनलाइन जा कर के डेटाबेस लेते हैं वो ऑप्शन SVOD 1 में बंद कर दिया है, तो है ही नहीं। तो अगर कोई पिन होती है तो फिर बैठ के कन्फ्यूज करना होता है। कभी कभी फंस जाता हूँ घर पर तो करता हूँ, लेकिन टाइम वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पहले मैं पूरे पिन का IT का 14 पिन बैठ के कन्फ्यूगर करूँगा, फिर प्रोग्राम करूँगा। इतनी झेलने की ताकत आप लोग में नहीं है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट का तो वीडियो आप लोग स्किप करके देखते हैं। उल्टा तो नहीं लगा दिया है? नहीं, सही लगाया है, सही। बातों में ऐसा होता है, ये पॉइंट है और ये मार्किंग है, सही लगा है। ठीक है, ये हॉटगन से तो बहुत हो गया, अब तो कमाल आयरन का है। चलिए पहले दो तरफ को संभाल लेते हैं। अभी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है, चिमनी बना हुआ है, AIQ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 पहुंचने वाला है। स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, यही टाइम है जो दिल्ली से भागने का है, कहीं घूमने जाने का है। बट कहाँ जाएंगे, हिमाचल अच्छा जगह है, कश्मीर अच्छा जगह है, गोवा गंदा जगह है। समंदर देखने का बहुत शौक है, महाराष्ट्र चलता हूँ मैं, महाराष्ट्र होंगे एक बार तो इंशाल्लाह। जो है कोशिश करूँगा मैं कि
समंदर देख लूँ, जो जो है महाराष्ट्र में बता दीजिए भैया, दो चार दिन ले आऊँगा रिपेयरिंग के लिए, जो बोर्ड हो फंसा फंसा पुराना पुराना। महाराष्ट्र से जाऊँगा मैं, हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल में प्लान बना रहा हूँ, समंदर देखूंगा एक बार। मतलब देखा है आसमान, वहाँ मज़ा नहीं आया, हांगकांग में देखा था वो भी प्लेन से देखा था, टेक ऑफ लैंडिंग के समय दिखती है, वैसे नहीं देखना है, खड़े होकर के पैरों में पानी लग रहा हो। और दूसरा स्नोफॉल नहीं देखा है हम लोग को, कितना मज़ा आएगा दो थोड़ा दिन के लिए, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं कश्मीर वाले लोग, उनको ज़रा मज़ा नहीं आता है, उनके लिए तो एकदम दुख है। वो मज़ा आता है कुछ दिन तक तो ठीक है, लेकिन हमेशा हो तो ट्रेवल है ना, आप कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते, बहुत सारी दिक्कत होता है। ठीक है, ये तो लग गई, और मैं होप करता हूँ कि ऐसे ही ऑन हो जाए बिना प्रोग्राम करे ही, ये चल जाती है IT की 8789 वो 8987 चल जाती है। अगर आप नई परचेज करके लगाते हैं, कहीं नहीं लगी हुई है वो, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम करने की। बट अगर ये किसी बोर्ड से निकाल के, जैसे कभी आपने किसी और बोर्ड में ट्राई किया, जैसे इस बोर्ड में मैंने आज ट्राई किया, डिस्प्ले देख लिया, कस्टमर अप्रूवल नहीं दिया, मैंने वापस निकाल लिया, अब मैं अगर किसी दूसरे बोर्ड पर लगाऊंगा तो मुझे प्रोग्राम करनी पड़ती है। तो पावर लगाया है और बत्ती नहीं जली है, ठीक है, बत्ती नहीं जली, तो एक ही मतलब होता है कि आप बैठ के आयो को प्रोग्राम करिए। तो रुकिए दो मिनट, मैं ज़रा सजा उजा लेता हूँ, अगर शायद हो जाए उसे प्रोग्राम तो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है और इसको रीड करा के देख लेते हैं एक बार, ये ऐसा ही दिखता है, ठीक है। आप लोगों ने तो पता नहीं देखा है कि नहीं, SVD1 ये मैंने 2014 या 2015 में या उससे पहले जब NM का बोर्ड आया था एकदम नया नया, NM-A272 एक, फिर AMD वाला था 181, जब वो आया था तब मैंने ये उस बंदे से स्काइप पर बात करके खरीदा था, वो दिन भी थे एकदम। ईसी के नाम से वो निकाल के रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको राइट कर देते, अब एरर ब्लैंक चेक क्यों दे रहा है, वेरीफाई करेगा कि नहीं, अगर जो वेरीफाई नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर सिलेक्शन नहीं है, सेलेक्ट में जब हम करते हैं, जैसे आप लोगों को SVD3 SVD4 में होता है ना, ये ऑनलाइन डेटाबेस ले लेते हैं, इसमें बैठ के बनाना पड़ता है। ये भी जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इसका बना हुआ काम नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं गलत बना है या क्या है। U83 का उसमें भी सेम IC लगी रहती है U83 में, तो U83 से ही मैं इसको कॉपी करा रहा हूँ। देखिए मैंने सिलेक्शन किया है, सॉरी Y11 से मैंने सिलेक्शन किया है, ये ओके लैपटॉप लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, और इससे मैंने G35 गेमिंग सीरीज़ वाला भी प्रोग्राम किया है, इसलिए इसमें लिख रखा है मैंने। इसमें खुद से ही टाइप करके बनाते हैं डाटा शीट देख करके, और उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, रेडीमेड मिलना तो ज़्यादा आसान है ना। चलिए देख लेते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि आ जाएगा इंशाल्लाह, लाइट जल जाएगी तो फिर ऑन ही हो जाएगा, फिर बायस पता नहीं, बायस भी करना पड़ सकता है, निकाल के तो रखा है मैंने, लेकिन अभी देखते हैं कि उसने भी ठीक ही किया होगा। चलिए वेरीफाई हो गया तो दिल में तसल्ली होगा कि प्रोग्राम हो चुका है ये। तो IT8987 प्रोग्राम होती है, देख लिया आपने, और बिना प्रोग्राम के भी मैंने बहुत बार चलाई है। चलिए ओके हो गया, निकाल देते इसको, देखा ना कैसा प्रोग्रामर होता है, ऊपर अलग PCB, नीचे अलग PCB, दो PCB जुड़ी हुई है, और यही माल अंदर आपके SVD3 में भी है, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड है Terminator 2। चलिए इसको भी हटाते हैं थोड़ा देर के लिए, पावर लगाते हैं।
इसको भी बंद कर देते हैं। बत्ती तो अभी भी नहीं जली। तो अब इसका मतलब है कि बायस हमें कहीं से ठीक ठाक से निकाल के डालना होगा इसमें, और तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, क्योंकि आपके बोर्ड में वोल्टेजेस बन गई है, तो यानी मेन बायस से भी प्रॉब्लम आती है। ये तो कंफर्म हो गया, आया हमारी ठीक है, प्रोग्राम हो गई, उसके बाद भी नहीं चल रही है, ज़्यादा टेस्ट करने का मूड नहीं है, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं हम लोग अभी हो क्या रहा है। 90 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, 5 सस्पेंड होगा LDO, 3 भी LDO बन रहा है। और एक बात, चूँकि आयो उड़ी है ना, तो उसकी उसके लिए 2 ओम का रजिस्टर होगा, उसको देखना चाहता हूँ मैं। टू आर टू कहीं पर तो लगा होगा, दिखाई नहीं रहा, यहाँ पर पीछे है क्या? पीछे भी नहीं है। 2R2 की रजिस्टर के थ्रू ही जाता होगा VCC, ऐसे तुक्का मारना ठीक नहीं है। डायग्राम में देख लें, बोर्ड व्यू की खोलना पड़ेगा, ये मुआफत लग रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। कितना चीज़ याद रखी, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ऐसा अंदाज लगाना ठीक नहीं है। निकालते हैं, ठीक है, ढूंढ लेते हैं। बोर्ड व्यू तो यही है ना, और डायग्राम इसका खोला था मैंने, नहीं खोला था, डायग्राम भी खोल लेते हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं आयो U5001 3 PCU कुछ नहीं, सीधा सीधी ले लिया, ये तो कोई रजिस्टर नहीं, इसी रीसेट ID, बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। LDO अपनी सारी जगह जारी करनी है, लेकिन बट नॉर्मली आयो के पास आनी चाहिए, और आयो के पास ये सही सलामत आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसको बना देना था, क्या इसको बना देना था, जो एडप्टर ID की लाइट होती है वो जला देनी थी, बट ये जला नहीं रही है, तो बायस करना पड़ेगा, इसका बायस भी बड़ा अजीब सा होगा। चलिए निकालते हैं बायस, कहीं से लेते हैं, देखते हैं कैसा कंडीशन होता है। मेरे पास भी है लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मैंने पहले फंसा हूँ मैं, मेरे पास ऑफिस में रखा हुआ इसका बैकअप एकदम 1000% टेस्टेड, घर पर ये बोर्ड नहीं लाता था कभी। देखते हैं क्या क्या मिलता है इसका, बोर्ड व्यू बायोस कौन दे रहा है, चले लेते हैं। ठीक है, अब कितना बार डाउनलोड करवाएगा, नो प्रीव्यू अवेलेबल, ये हो गया क्या डाउनलोड, डन, यही होगा, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, अच्छा 2 बार हो गया, DA, बस इसी को डाल देते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर मेरा आ जाओ, बी रेडी,
पायस निकाल लेते हैं पहले। इसमें दो तरह की दिक्कत आती है, एक तो बायोस का जो मॉडल है यानी आपका डिवाइस है, अगर वो भी मैच नहीं करेगा तो भी ये लाइट नहीं जलती है। बायोस से लाइट नहीं जलने वाली बहुत तरह की प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी है इस मॉडल में, खासतौर पर बायोस की वजह से, बायोस और आयो की वजह से देखी है। चलिए डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा ये होगा, ऑटो कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले लोड, ये है और इसको ऑटो पर डाल देते हैं। अच्छा प्रोग्रामर है, काम चला हुआ है। अच्छा मतलब क्या बोले, आपकी आयो तो कर नहीं सकता ये, ये सोफी का प्रोग्रामर है, ठीक है, फ्लाई प्रो सोफी SP8। बट एक चीज़ है कि बायस में आज तक ये रिटर्न नहीं किया किसी को, चाहे वो कोई सी भी बायस हो। अभी जितनी 32 MB वाली आ रही है सारी इसी से कर रहा हूँ मैं, उसके लिए एक होल्डर है ये वाला जुगाड़ होल्डर, ठीक देखा है ना, ये वाला था जुगाड़ वाला होल्डर, ये QFN है जिसके अंदर पिन नहीं होती है, उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो उसी का ये जुगाड़ है। बट जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें जो कॉस्टली वाला आता है जिसके ऊपर पंचिंग होती है, जो ऑफिस में मेरे पास होता है एप्पल को मैं प्रोग्राम करता हूँ उसी में, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो ख़राब जल्दी नहीं होता है। देखिए ख़राब होने का एक वजह ख़ास तौर पर ये होता है कि आपका थीनर वगैरह अगर उसके अंदर चला जाता है प्लास्टिक के अंदर, तो थीनर से प्लास्टिक ख़राब हो जाती है, इसलिए हमारा बायस का सॉकेट भी बार बार ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग झाड़ते पोछते नहीं है, बायस को धोया और लगा दिया, इसलिए जल्दी जल्दी ख़राब होता है। थीनर जो है प्लास्टिक के लिए तो एकदम दुश्मन है, एकदम हटा देते हैं इसको, आप बंद कर देते हैं। अब अगर ये केस रुक गया तो मैं कल बनाऊंगा इसका वीडियो, बाकी आप लोग फिर देखेंगे, और मैं थक गया हूँ, बहुत सारा बोर्ड रिपेयर किया अभी, आज 12 जनरेशन का ही बोर्ड मैंने रिपेयर किया है, i9 12 जनरेशन, ये आसूस का स्ट्रेक्स मॉडल है G533, पहली बार DDR5 वो अभी ख़रीदनी पड़ी मुझे, लेकिन नहीं लेके आया हूँ DDR5, थका दिया लेकिन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा अंदर से, फीलिंग गुड, ठीक है। मतलब पहला आपने DDR5 वाला केस पकड़ा, और वो भी ख़रीद करके, कम से कम रैम का दाम तो निकालेंगे ना। अच्छा इस भाई साहब का एक वायर भी टूटा हुआ है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना कर लिया कहानी, ये एक येलो वायर टूटा हुआ है, क्या है ये डीसी जैक का येलो वायर, कौन सा होता है येलो वायर पता नहीं, मेरे पास है क्या, आ जाओ भाई रुकिए एक मिनट, मुझे ढूंढना पड़ेगा डीसी जैक किसी का है, ढूंढता हूँ एक मिनट दीजिए, मिला है मुझे, ठीक है मेरे स्टॉक में होता है, सारा चीज़ लेके आया हुआ एकदम पूरे दुख पूरी तैयारी के साथ में, जो चीज़ नहीं है वो धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो रिपेयर करने में। सेम है ना भाई, सेम खा मखा इतना मेहनत करवा दिया ये, बत्ती जल गई,
परेशान हो रहा हूँ। अब इसको लगाते हैं। आईडी वो लाइट का पिन है क्या? मैंने तो ये गलती की कि बोर्ड को ऑन करके देखा नहीं मैंने। अब ये ऑन कहाँ से होता है? यहाँ पर से कहीं से ऑन होता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बिना बत्ती के क्या ऑन हो रहा है, मतलब क्या क्या गलती हो सकती है रिपेयरिंग करने में। ये फ्यूचर के लिए भी तो तैयारी रखना है ना। ठीक है, रेड इधर लगाइए और ऑन करके देखते हैं। नहीं भैया, ये तो बिना आईडी के नहीं चलेगा क्या? जब एलडीओ बन रही है तो ऑन हो जाना चाहिए। चलिए एक बार आईडी ये लगाते हैं। हम तो यही मान के चलेंगे कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है, इसमें जली लाइट। ऑन तो अभी भी नहीं हो रहा है। कहाँ होता होगा? रुकिए एक मिनट, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं हम लोग? जब बोर्ड भी है साथ तो डरने की है क्या बात? ये पॉइंट है। देखिए ऑन ऑफ कौन सा है? NBS, ये कैपेसिटर तो है नहीं। यहाँ रजिस्टर है। बड़ा अजीब सा क्यों दिख रहा मुझे ये? लो महाराज, कहाँ से ऑन होगा? आइए अभी दर्शन करिए कैसी कैसी प्रॉब्लम मिलती है। कहाँ थे हम, कहाँ पहुँच रहे? ये इसी पॉइंट पे बता रहा कि ऑन ऑफ है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ ही नहीं। तो यानी यहाँ से तो कभी ऑन होने को नहीं है ये, जब तक आप जंपर वायर वगैरह नहीं बनाइएगा। तो इसको पुल अप वगैरह मिल रही होगी कहीं से। तो ये है क्या, ये पॉइंट था क्या? बहुत मेहनत करवा रहा है यार। यहाँ से 37 नंबर पिन पर जा रही है और इस तरफ से ये कहाँ से कनेक्टेड है? आयो से। ठीक, आयो के इस पॉइंट से। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, आयो से ही ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक, अब इधर वाले को मैं हिम्मत नहीं कर रहा कि कुछ करूँ अभी। अब सीधा सीधे यहाँ से बाद में जोड़ जाड़ करेंगे। आयो के पिन से ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऑन हुआ है कि नहीं। आयो का 30, वो क्या था रजिस्टर, कौन से रजिस्टर थे ये गिन लेते हैं। यहाँ पर हुआ एक, दूसरा लाइन, ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सातवा का है। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का टॉप। कहाँ गया मेरा चिमटा? ठीक, ग्राउंड पर रखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और बोर्ड ऑन हुआ ऑफ हुआ? मजाक कर गया ये तो। ये होता है प्रॉब्लम, ऑन हुआ ऑफ। तो क्या माने, अभी बायसी की प्रॉब्लम है अभी, या कुछ और भी टूटा फटा होगा? जब एक दिख गया तो दिख सकता है, ठीक, बट मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ। अब एक बार मैं अपनी बायस डालता हूँ यहाँ वाली। वैसे वैसे मेरी भी बायस यहाँ की ठीक नहीं होती है, मतलब ठीक नहीं होती है, पुरानी रखी हुई है, कुछ लिखा हुआ नहीं है उसको। मैं जब तक दो तीन बार ओके नहीं लिख देता हूँ मैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती है, कॉन्फिडेंस वाली, कि हाँ इसको मैंने एकदम मरे से मरे बोर्ड में चलाया है, टेस्ट कर लिया है दो तीन बोर्ड में। ठीक है, ट्राई करने में क्या होता है। तो प्रॉब्लम का देख रहे हैं ना, अभी इसको इस बोर्ड में वो टेस्टिंग पॉइंट कट गया है। तो बोर्ड ठीक करके मैं अगर भेज भी दूंगा तो वो बंदा मेरे पास दोबारा भेजेगा कि ये ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि वो बंदा तो बटन से ऑन करेगा, कस्टमर आए से थोड़ी ऑन करता है। अरे यार क्यों गिर रहे हो, आ जाओ। तो इसी चक्कर में रिपीट आता है। जब जैसे मान लीजिए, फर्ज करिए कि ये बोर्ड ऑटो ऑन होने वाला होता तो क्या बिहेवियर हो रही होती है इसकी? ठीक है, लोड
डी ए, ये मैंने निकाल के रखा है, इसको डालते हैं अब और ऑटो स्टार्ट, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है, फिर उसके बाद मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। अब तो अगर मान लीजिए कुछ निकला ऐसा कुछ खास, आप भी जानते हैं कि रिपेयरिंग का क्या टेक्निक्स होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम पावर लगाते हैं तो सबसे पहले हमें एलडीओ तक तो रेडी होनी चाहिए बोर्ड, फिर उसके बाद एलडीओ वाला एरिया भी आरटीसी पे जाएगा। यहाँ पर पहले देखिए काम का हिसाब किताब देखा जाए तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आरटीसी वाले का एरिया को भी साफ करके जो पॉइंट होते हैं, कहाँ गया ये पॉइंट, देखा ये पॉइंट पर भी काम किया है, लगता है कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शोल्डर कोई कौन करेगा इसके ऊपर, तो कोई काम करने वाले ने ही किया है कि शायद कटापटा हो ये एरिया, तो ऐसे तुक्के से मत काम करिए, कुछ लॉजिक जानने की ज़रूरत है, वो लॉजिक जानिए, उसके बाद काम करिएगा तो काम करने का एक अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, 4 बज गए हैं, अब मैं सो जाता हूँ, बस खाली एक और फाइनली ये और बायस डाल देता हूँ। इस बायस से जो रिजल्ट आए कोई बात नहीं, अब एक बार यहाँ से ऑन करके देखते हैं, यही पॉइंट था हमारा ऑन ऑफ वाला, बत्ती जो जल गई है वो तो ठीक ही था, हमारा डीसी जाके ख़राब था, पता ही नहीं चला कि आया मेरी ठीक थी कि नहीं थी, ऑन हुआ ऑफ हो रहा है। तो जानते हैं अभी सुनिए इसका भी वजह क्या है, एक तो बंदे ने, अब गलती उसकी नहीं है कि उसने काम किया है या ख़राब काम किया है, कोई आयो को खराब आयो दिख रही है हमें कि यहाँ पर से निकाली हुई है तो चेंज क्यों नहीं किया, या तो वो बोल देता मुझे कि मुझे आयो चेंज कराना भैया, मैंने डायग्नोस कर लिया है भेज रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बताया, किसी ने ठीक किया इसको फिर अप्रूवल नहीं दिया गया और उसने ख़राब आईसी लगाई है, एकदम गारंटी है। मैंने आपको बताया था कि रैम आईसी के पास भी काम की हुई है, मैंने इसको खाली शोल्डर ऊपर से किया है, ये ख़राब आईसी लगी हुई है। ठीक है, अभी देखिए ये मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, ये एक बार में भी ठीक होगा अगर मैं इसकी रैम आईसी चेंज कर दूँ, मुझे एक बार मिल तो जाएगा। 8868C ये आईसी चल रही है, क्या लगी हुई है, चलिए इतना देख लिया है तो शायद हो सकता है इसका जवाब भी सुन लीजिए कि ये क्या है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये ऐसी ख़राब है, और मैं इसकी जगह पर क्या लगाने वाला हूँ, 3T की जगह पर मैं APW की IC लगाने वाला हूँ, और IC का नंबर है 8868 आ गया, अरे ये क्या खुल गया है, 3T की जगह पर मैं लगाने वाला हूँ APW 8868C। ठीक है, दोनों का डाटा शीट मैंने पढ़ा हुआ है, दोनों सेम आईसी होती है, इसलिए याद पड़ गया तो मैंने सोचा कि चलो एक बार लगा के देख लेते हैं। बस यही होता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है तो फिर वैसी कंटिन्यूटी बाद में नहीं आ पाती है, मैं चाह रहा था कि इसको अभी निपटा डालूं, इसका एक नंबर पिन कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है, पिन एक नीचे है, इसका भी नीचे ही है, ठीक है इसे लगेगी,
बहुत मेहनत कर लिया इसमें, लेकिन अब ये सब तो नहीं गई है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है, काफी है। ठीक है, अब एक बार पावर लगाते हैं, एक बार कल कंफर्म करें। देखिए एक नंबर पिन सही है ना? हाँ सही है। ठीक है, पावर लगाया। लाइट ऑन हुई और 7 नंबर पिन। यस, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, ये तजुर्बा है। क्या है कि आप आपको एक जब काम करते करते एक टाइम लगेगा, मतलब टाइम आएगा कि आपको फिर ये लगेगा कि ऐसा हुआ होगा। कोई चांसेस नहीं है कि बंदा रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हो और वो बंदा आयो को निकाल करके दोबारा खराब आयो लगा दिए। खराब आयो तभी लगाते हैं जब इस्टीमेट पास नहीं हुआ होगा। तो किसी ने इसमें खराब आयो लगाई है और खराब रैम की आईसी लगाई है, क्योंकि उस आईसी को जो रैम को मैंने एक बार पॉलिश भी किया था, मतलब ठीक से लगा भी दिया था, बट फिर भी काम नहीं करी थी, यानी खराब आईसी लगी हुई थी। तो आपको तो दो बातें यहाँ पर पता चल गई कि ऐसी प्रॉब्लम ऑन ऑफ ऑफ होने वाले में एक रैम आईसी की भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसको डायग्नोसिंग करने के लिए सबसे बेहतर है कि डीएसओ आपको सब चीज़ बता देगा। अब लगे हाथों मैं इसमें डिस्प्ले भी देख ही लेता हूँ, कितना देर जब लगा ही दिया आप लोगों ने, तो अच्छा तजुर्बा रहा हम लोगों का ये। तो वही यूएसबी वाला है मेरे पास, इसको लगाएंगे, इसको ऑफ कर देता हूँ और बायस भी ठीक ही होनी चाहिए मेरी, आज कंफर्म कर दूंगा, एकदम लिख दूंगा, 4 बार लिखूंगा। ओके, तो ये होता है प्रॉब्लम मेरे कैमरे के साथ। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, तो लाइट कहाँ है आपके पास, इसको ऑफ करता हूँ ना। ये अगर 2 बार ब्लिंक किया तो डिस्प्ले आ गया समझ लीजिए। दो बार ब्लिंक कर गया तो डिस्प्ले आ गया। कितना एम्पेयर में तो देख भी नहीं रहा, मैं तो ब्लिंकिंग पर ध्यान है मेरा, नींद बहुत आ रही है। ठीक है, अबे हिल जा, हिल नहीं रहा। और प्रॉब्लम है क्या? यस 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 यस, अब हो गया। एक रैम स्लॉट खराब भाड़ में जाया, वह हो गया भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बहुत नींद आ रही है, मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।